आए हुए सभी अपने मीडिया के बंधुओं का, अधिकारियों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप जी हैं। इस तरफ मेरे स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे किसान मोर्चा के मेरे साथी ओमी खजूरिया जी बैठे हैं। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा पेपर्स के माध्यम से कि जो यहाँ पर हमारा प्राचीन मंदिर है शहर के अंदर पंचभक्तर मंदिर, जिस प्रकार से वहाँ पे सियासत गरमाई हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि आज उस मंदिर के नाम पर सियासत की जाए, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें साफ स्टैंड है कि जिस भी डिपार्टमेंट ने या जिस भी अधिकारी ने या जो जो लोग उसमें मंदिर को ग्रैब करने के लिए, उस ज़मीन को ग्रैब करने के लिए उसमें दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो हमारा प्राचीन मंदिर है, ये हमारी विरासत है, ये हमारा श्रद्धा का केंद्र है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ऐसे में हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इसके ऊपर राजनीति ना कर सीधा, मैं ये बता दूं कि इस प्राचीन मंदिर जो पंचभक्तर मंदिर है, यहाँ पे हमारे समाज के होते हुए एक भी डिपार्टमेंट एक भी ईंट नहीं लगा सकता। जो टेंडर की बात आई थी, अगर एक साल में वहाँ पर टेंडर की घटनाएं चली, अगर वहाँ पे उन्होंने आके मेजरमेंट किया होगा, तब क्यों वो पॉलिटिकल पार्टियाँ चुप थी। आज अगर उसको ये इतना बड़ा बवंडर बना रहे हैं, तो मैं सचमुच में इनको ये कहना चाहता हूँ कि खासकर मंदिरों के नाम पर इस मंदिरों के शहर में राजनीति करना बंद करें। हमारे समाज इतना बाहुबल है कि हमारे मंदिरों को कोई भी अधिकारी, कोई भी सोशल एलिमेंट इसकी तरफ नज़र नहीं गाड़ सकता, ना ही इसको घेर सकता है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ का समाज जागरूक है जम्मू कश्मीर का, और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, जो वहाँ पे हमारे श्रद्धालु हैं जो उस मंदिर में आते हैं और जो केयर टेकर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाती है कि हम कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल को कभी भी इस बार इस प्रकार से लूटने नहीं देंगे। बाकी रहा जेडीए का सवाल, आज से 5 साल पहले भी महाराजा हरि सिंह जो पार्क बना था, इन्होंने उसका हिस्सा, एक हिस्सा बेच दिया था, और उसको बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, एजिटेशन जब 2 दिन हुए, तो इन्होंने उस अलाटमेंट को कैंसिल किया था। इसलिए मैं वार्न करता हूं डिपार्टमेंट्स को कि कभी भी आपके साथ मत खेलना, नहीं तो जम्मू आपको जला के राख कर देगा। ये हमारा श्रद्धा का केंद्र है, ये हमारे बम बम बोले का स्थान है, और हम कभी भी इससे के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे। मैंने इसके साथ एक ऑर्डर भी आज आप सबको दे रहा हूँ, ये टू द वाइस चेयरमैन है, NHIDCL और AMLCP पंचभक्तर टेम्पल, इन्होंने साफ तौर पे इसमें ये किया है, इन दिस कंटेस्ट इट इज़ इंशिमेटेड दैट द टेंडर फॉर द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट स्टैंड्स कैंसल एंड विल बी फ्लोटेड ओनली आफ्टर द लैंड इशू हैज बीन रिजॉल्व एट योर एंड, दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पर हमारा इसमें भी ये कहना है, वहाँ पे कोई विवाद नहीं है, हम जब छोटे बच्चे थे, आज से 70 साल 60 साल पहले भी जब हम जाते थे, वो हिस्सा मंदिर का है और मंदिर का रहेगा। और जम्मू के लोग, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इतने सशक्त हैं कि वहाँ पे एक ईंट भी कोई डिपार्टमेंट नहीं लगा सकता। जब भी वहाँ बनेगा, मंदिर का एक भाग बनेगा, जो कमेटी वहाँ पे चाहेगी, जो श्रद्धालु वहाँ पे चाहेंगे। धन्यवाद आपका।